हाय गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि आप भी अपनी YouTube वीडियो का लाइक और डिसलाइक हाइड कर सकते हो, यानी कि कोई भी नहीं देख पाएगा कि आपके YouTube वीडियो पर कितना लाइक आया कितना डिसलाइक आया। जैसे कि मेरे इस वाले वीडियो पर आप लोग देख सकते हो। और इससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपके किसी एक वीडियो पर आपने लाइक और डिसलाइक हाइड नहीं किया है एंड उसमें जो डिसलाइक की नंबर बहुत ज्यादा हो गया है, कोई नया व्यूअर्स अगर उस वीडियो को देखने के लिए आता है एंड उसको आपका वो वाला कंटेंट पसंद आ भी जाता है लेकिन वो डिसलाइक की संख्या बहुत ज्यादा देखकर वो भी डिसलाइक करके जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि इसमें जो है नॉलेज ही नहीं है, इस बंदे में नॉलेज ही नहीं है, इसलिए सब इसे डिसलाइक कर रहे हैं। तो इस टाइम अगर आपका डिसलाइक और लाइक हाइड किया होता है तो वो बंदा अगर आपको उसको कंटेंट पसंद आता है वो जरूर लाइक करके जाएगा। तो इससे आपका ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगा और आपका वायरल आपका वीडियो वायरल धीरे धीरे होते लगेगा। तो इससे यही फायदा होता है। तो देखेंगे कैसे लाइक और डिसलाइक हाइड किया जाता है, दोनों चीजें मोबाइल से और कंप्यूटर से दोनों चीजें देखेंगे। सो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे मोबाइल से लाइक और डिसलाइक हाइड किया जाता है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगा, तो देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी आ चुका है। ओके, तो अभी आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च कर देना है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो नाम से एक एप्लीकेशन है जो यूट्यूब की तरफ से ही एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है। ओके, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। सो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो अभी उस वीडियो का आप लोग चूज कर लीजिए जिस वीडियो का आप लाइक और डिसलाइक को हाइड करना चाहते हो उस वीडियो को। ओके, तो मैं जो पहले वाला वीडियो उस वीडियो का लाइक और डिसलाइक मैं हाइड करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है पेंसिल का ऑप्शन में, जो पेंसिल का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर देना है। सो पेंसिल के ऑप्शन में क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स में। ओके, तो एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कमेंट्स सेक्शन है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे जो अलाउ कमेंट्स दिया हुआ है, अगर अलाउ कमेंट्स को आप डिसेबल कर दो तो आपके वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो ठीक उसके नीचे ही आप लोग देख सकते हो यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, मतलब ये पूछ रहा है कि आपका वीडियो का जो रेटिंग है यानी कि लाइक और डिसलाइक है वो क्या देख सकते हैं, कोई यूजर कोई व्यूअर देख सकते हैं। तो अगर आपको इसको इनेबल करते हैं तो देख सकते हैं, और इसको डिसेबल कर देते हैं मतलब कोई नहीं देख सकता। तो ऐसे जो आप कर सकते हो, तो मैंने जो ऐसे ऐसे ही करके रखा था और इसे सेव कर देंगे ये ऐसे ही। ओके, तो ये जो सेव हो जाएगा, एडिट सेव हो गया। तो आप मोबाइल से ऐसे कर सकते हो। अभी चलिए देख लेते हैं कि कंप्यूटर से यानी कंप्यूटर या लैपटॉप से हम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ मेरे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग मोबाइल से करना चाहते हो तो क्रोम ब्राउजर पे जाओ, थ्री डॉट पे क्लिक करो। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर दो, बाकी जो जो कर रहा हो उसको स्टेप को फॉलो करते जाए। सो मैं अभी आ गया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का जो डैशबोर्ड है क्रोम ब्राउजर में, तो उस डैशबोर्ड को मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी किसी भी एक वीडियो को मैं यहाँ पर अपलोड में लगाता हूँ। ओके, तो अपलोड में लगाने के लिए पर अपलोड के ऑप्शन में क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल्स किया, तो एक वीडियो को यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ मैं, जैसे कि इस वीडियो पर। इस वीडियो चूज़ करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए, आप नोटिस कीजिए मैं जो क्या क्या कर रहा हूँ। एकदम नीचे से आपको चले जाना है, तो मैं भी डिस्क्रिप्शन टाइटल कुछ नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर नीचे चलेंगे, जाने के बाद आपको मोर ऑप्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस वाले मोर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो मोर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो, मतलब ये बोल रहा है कितने लोगों ने आपकी वीडियो को लाइक, कितने व्यूअर्स ने आपकी वीडियो का लाइक और डिसलाइक किया है, कि आप अपने अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। अगर आप लोग अनटिक करते हैं तो आप कोई भी नहीं देख पाएगा कितना लाइक और डिसलाइक आया, ये नहीं कि हाइड हो चुका है। अगर इसको टिक करते हो क्या होता है, सब देख पाएंगे कितने लाइक और डिसलाइक हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अनटिक करके रखिए अगर आप एक छोटा क्रिएटर हो तो, एंड यहाँ पर बस्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे लाइक और डिसलाइक को हाइड किया जाता है अपनी यूट्यूब वीडियोस में। सो अगर आप एक छोटा क्रिएटर हो एंड इस ट्रिक को आप अप्लाई करते हो तो आपकी वीडियो पर जरूर रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, जरूर रिजल्ट आएगा। मैंने भी रिजल्ट पाया है इस ट्रिक को अप्लाई करते हुए। सो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे मजेदार कंटेंट के साथ। सो तब तक के लिए टाटा।